तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी आंगनवाड़ी की जो MPR रिपोर्ट जो होती है ICDS के, उसे किस तरीके से भरते हैं उस बारे में आपको बताऊंगा। कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान जाएंगे कि कैसे जो है आपको बच्चों को फीड करना है और लाभार्थी महिलाओं को फीड करना है, गर्भवती महिलाओं को आपको किस तरीके से फीड करना है, ये चीज़ें जो है मैं आपको बिल्कुल अभी बता दूंगा। आपको बाहर साइबर कैफे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक आंगनवाड़ी तो आप ये काम खुद ही घर पर कर सकते हैं, तो आपको कोई भी समस्या को ना देखना पड़े, इसलिए हमारे इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपडेट वर्ल्ड, हमारे चैनल अपडेट वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम बात कर देते हैं जो हमें किस तरीके से ICDS के MPR रिपोर्ट को फुल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने मोबाइल में नेट ऑन करने के बाद गूगल पे जाएंगे। जैसे ही हम अपने मोबाइल में नेट ऑन करते हैं उसके बाद हम गूगल पे आते हैं, तो हमें सीधा यहाँ पे सर्च करना है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सर्च का ऑप्शन, आपको इस पे सर्च पे लिख देना है ICDS स्मॉल लेटर्स में, छोटे छोटे अक्षरों में आपको ICDS लिख देना है। जैसे ही आप ICDS लिख दोगे तो गूगल का ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा ICDS WCG.NIC.IN, ठीक है। तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ICDS की वेबसाइट खुलाएगी, जहाँ पे आपको MPR अपनी रिपोर्ट को भरना है। तो ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये वाला पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको अपनी यहाँ पर लॉगिन ID, यदि आप एक आंगनवाड़ी हैं तो आपको आपके सुपरवाइज़र ने आपको अपनी लॉगिन ID दी होगी, उस ID को जो है आपको यहाँ पर भरना है, जो यहाँ पर यूज़र नेम लिखा है। फिर आपका पासवर्ड भी वही होगा, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा है तीसरे नंबर पे, ये जो आपको ये जो दिया हुआ है ये वाला आपको यहाँ पे भरना है सिक्योरिटी पिन के जगह। और यूज़र ID पासवर्ड आपका सेम होता है, यदि आपको नहीं पता तो आप अपने सुपरवाइजर से पूछ सकते हैं, वो आपको यूज़र ID और पासवर्ड आपको बता देंगे। तो मैं पहले यहाँ पर यूज़र ID और पासवर्ड फिल करके इसमें साइन होता है, फिर आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको काम करना है। तो जैसे ही अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड भरने के बाद आप वहाँ पे जो कोड भर देंगे सिक्योरिटी पिन का, उसके बाद जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि जो आपकी जो मंथ की जो MPR रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं है, तो आपको यहाँ पर जमा करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको अपना देखना है कि आपकी जो है वो ID जो है यहाँ पे आप ही की है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जमा करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि एडिट व्यू बेनिफिशियरी, ठीक है। यहाँ से तो आप देख सकते हैं एडिट वाले ऑप्शन से कि आपके कितने बच्चे चढ़े हुए हैं कि नहीं चढ़े हुए हैं, और यहाँ पर लिख के आ रहा है ऐड यानी कि जोड़ना है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इस ऐड वाले ऑप्शन पर ये जो लिखा हुआ है ऐड, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं आपको ऐड वाले ऑप्शन में जैसे क्लिक करता हूँ तो ये वाला पेज जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा कि अपना आंगनवाड़ी सेलेक्ट करें और अपना बेनिफिशियरी टाइप सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे जो आपको ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके एरिया का जो है आंगनवाड़ी कोड आपके सामने खुल के आ जाएगा, जो भी आपको पता होगा उससे आप फिल कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिख के आ जाएगा कि आप बच्चों को करेंगे किसको करेंगे, वो मैं आपको भी दिखा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको फिर अपना वो करने के बाद जो है आपको यहाँ पे अपना बेनिफिशियरी टाइप पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन चीज़ खुल के आ जाएंगे, लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमन और चिल्ड्रन। इसका मतलब है कि जो आपके लाभार्थी हैं, पहली लाइन का मतलब है ये लैक्टेटिंग मदर का है आपके लाभार्थी आपको चढ़ाना हो तो, और दूसरी लाइन है आपका प्रेग्नेंट वुमन यदि गर्भवती महिला जो आपको चढ़ाना है धात्री, वो आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं, और तीसरा है आपके चिल्ड्रन के बच्चे। तो आप अपना कुछ भी चढ़ा सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक बच्चा चढ़ा कर दिखा दूँ किस तरीके से हमें चढ़ाना है। और ये लैक्टेटिंग मदर और आपका गर्भवती जो महिला है ये तो और भी आसान है, सबसे ज़्यादा कठिन यहाँ पे बच्चे चढ़ाना है, तो वो मैं आपको बता दूँ कैसे आपको चढ़ाना है, ठीक है। तो आपको जो भी चढ़ाना है उस पर क्लिक कर दीजिए, मैंने बच्चे पर क्लिक कर दिया है। और यहाँ पर लिख किया है ऐड बेनिफिशरी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड कर देंगे तो जो है आपके सामने ये इस तरह का खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आपको एज ग्रुप यहाँ बच्चों को सब कुछ बताना है, मैं आपको बता दूँ किस तरीके से। जैसे मान लीजिए बच्चों को एज ग्रुप है, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले लाइन पे एज ग्रुप, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है 6 महीने से 3 साल के बच्चे और 3 साल से 6 साल के बच्चे। तो मैं तो यहाँ पर है 6 महीने से 3 साल का बच्चा भर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। और बच्चे का जो नाम है वो भी आपको सही बिल्कुल भरना है, आपको कोई मिस्टेक नहीं करना। तो बच्चे का नाम मैं भर देता हूँ, जैसे कि प्रिया हो गई, इसका बच्चे का नाम हो गया। और जो बच्चे की जो 3 साल के बच्चे उनके पास आधार नहीं होगा उनका, तो आप क्या करना है, जो उनकी मम्मी का आधार या उनके पापा का जो भी आधार होगा वो आपको यहाँ पे बच्चे के आधार की जगह आपको भर देना है, ठीक है। तो
तो वो मैं भर देता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं सब कुछ, फिर यहाँ पे क्या है, आपको बच्चे की जन्म तिथि भर देना है और बच्चा का जेंडर क्या है, मतलब कि जो बच्चा है वो लड़का है कि लड़की है, वो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल, आपको क्लिक कर देना है। डेट ऑफ बर्थ भर देना है। फिर बच्चे की हालत कैसी है, मतलब कि सामान्य रूप से सही है कि सामान्य रूप से सही नहीं है, ज़्यादा दिक्कत है, तो वो सब आपको यहाँ पे बता देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको मम्मी का नाम बता देना है, बच्चे का जो भी मम्मी का नाम है वो आपको भर देना है। और फिर आपको उसके बाद उस पर सबमिट पे क्लिक करना है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये सारा फिल हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो मदर वाला ऑप्शन है, मदर का आधार, वो आपने बच्चे का आधार में डाल दिया है और इस वाले ऑप्शन को आपको खाली रहने दीजिए। फिर आपको सबमिट कर देना है, सबमिट डिटेल्स पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो हरा हरा आपको बटन दिख रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है लिख के आ जाए कि सबमिट है कि नहीं है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो आप देख सकते हैं जो मेरे सामने लिख के आया, इनकरेक्ट आधार, यहाँ पे मतलब बच्चे का जो आधार है गलत है। तो आपको जो है आधार यहाँ पर सही डाल देना और आपका जो है कम्प्लीटली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे रिलेटेड हम इसी से रिलेटेड हम वीडियो और भी वीडियो जब डालेंगे तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, आपको उस वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए, ठीक है। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।